हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एग पराठा, जो कि मैं पहले भी एग पराठा अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो बस आज ये दूसरे स्टाइल से मैं आप लोगों के लिए एग पराठा लाई हूँ। आई होप आपको ये भी उतना ही पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फ्राई हुआ है और अंडा की फीलिंग जो है वो बहुत बढ़िया से इसमें डली हुई। आप ये देखिए, एकदम बढ़िया से है ना, एकदम कोने तक अंडे की फीलिंग आई हुई है, ये देखिए। तो एक मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, कितनी बढ़िया फीलिंग, एकदम बढ़िया से भरा हुआ है पराठा हमारा, ये देखिए। तो बस आज हम यही बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है खाली, और इसमें हम डालेंगे ये 1 कप आटा, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और बस अब इसको हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे पहले, और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके एक स्मूथ सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बढ़िया से आटा सेट हो गया है। अब इसमें हल्का सा पानी ऊपर से लगाएंगे हम, और इसको 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट्स हो चुके हैं, और एक बार हम आटे को एक बार और मसल लेते हैं। चलिए, एकदम परफेक्ट है, काउंटर को एकदम क्लीन कर लेते हैं। अब ये आटा लेंगे, इसमें से ये लोइयां काट के हम तैयार कर लेंगे। 1 कप आटे में आपके 4 परांठे बनकर तैयार हो जाएंगे, और बाकी डिपेंड है कि आप कितने बड़े साइज के परांठे बनाना चाहते हैं या फिर कितने छोटे बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज बनाऊंगी, इसलिए मेरे को इतना लोई परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने बता दिया है, 1 कप आटे में आपके ये 4 परांठे बनकर तैयार हो जाएंगे। बढ़िया से हम इसको लोई की शेप दे देते हैं आटे को, ये देखिए इस तरीके से। तो लीजिए, लोइयां यहाँ पर तैयार हैं। साइड में सूखा आटा ले लेते हैं हम, और एक लोई लेंगे आटे में इस तरीके से करके थोड़ा सा हम इसको पराठे की शेप दे देंगे। पहले हमको थोड़ा बेलना है, यानी आधी रोटी बना करके बेल लेनी है। इसके बाद हम कोई भी कुकिंग ऑयल लेंगे और इस तरीके से रोटी पर पूरी फैला देंगे अपने तेल को, जो हमने आधी रोटी बनाकर तैयार करी है। फिर इसको इस तरीके से हमको फोल्ड करना है, जैसे आप पराठा बनाते हैं ना, बस वही। और थोड़ा सा ये ऑयल लगाना है इस तरफ भी, बढ़िया से इसको हमको त्रिकोण शेप दे देनी है। आप चकोर भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप चकोर बनाएं या गोल बनाएं या फिर त्रिकोण बनाएं। चलिए, इसको भी हम आटे में इस तरीके से घुमाकर बेल लेंगे फटाफट से।
और हमको परतों पर ऑयल या घी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो परांठा है वो फूलेगा बिल्कुल भी नहीं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है परांठा, क्योंकि ऑयल अंदर परतों के इसलिए ही लगाया जाता है ताकि जो हमारी परतें हैं वो खुल जाए आसानी से और हमारा जो परांठा है वो फूल भी जाए, और अगर कुछ भरना हो अंदर परांठे के तो वो भरना भी हमारे लिए इजी हो जाए। तो लीजिए, ये बेल करके मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, इसको रख लेते हैं प्लेट में। रख लिया मैंने प्लेट में। इसी तरीके से हम ये सारे लोइयां जो हैं परांठे बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हम एक साथ फटाफट से एक परांठा बना सकें। तो लीजिए, ये वाला भी परांठा बनके तैयार है। इस पे हल्का सा आटा छिड़केंगे ताकि जो हमारे दोनों परांठे हैं वो चिपक ना सके, इसलिए हम इसको इस पे डाल देंगे। और चलिए चलते हैं इनको सेकने के लिए। तो चलिए, पैन यहाँ पर मैंने ले लिया है और अब इसमें हम, अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है, बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास या एक छोटी सी कटोरी, जिसमें भी आप अंडे को तोड़ कर लेना चाहें। इस तरीके से हम एक अंडा तोड़कर इसमें डाल देंगे, क्योंकि अंडा जब सिकेगा ना तो हमको इतना टाइम नहीं मिलेगा, या फिर आप सिंपली कुछ नहीं डालना चाहते तो आप तोड़ के सिंपल इसमें डाल सकते हैं, तो आपको इतनी देर नहीं लगेगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अगर बच्चे खा रहे हो तो टोटल स्किप कर सकते हैं, और लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक। इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, अंडा भी तैयार है एकदम, इसको कर देते हैं साइड में और अब हम गैस को ऑन करते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें हम डालते हैं ये पराठा। आप चाहें तो तवे पे भी सेक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पैन में ही सेकना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको हम 1 मिनट के बाद पलटेंगे, तो आइए पलट देते हैं इसको। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट के लिए यहाँ से भी हम सेकेंगे अपने पराठे को। तो आइए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि ये पराठा जो हमारा फूलना स्टार्ट हो चुका है। इसको पलट देते हैं, ये देखिए कितने बढ़िया से फूल रहा है ना। बस हमको इस तरफ से भी तेल लगा देना है, या फिर घी जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं अपने पराठे पर। चलिए, इसको भी हम पलट देते हैं और दबाते हुए हम इसको फुलाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से फूला है ना। बस फ्लेम को करेंगे हम लो, और आप देख सकते हैं ये लेयर फूल चुकी है हमारी पराठे की। ये देखिए इस तरीके से, बस हमको क्या करना है, कोने पे लाना है पराठे को ताकि गिर नहीं जाए सारा बैटर हमारा, और इस तरीके से हमको इसमें डालना है। सारा इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है, ये देखिए इस तरीके से हमने डाला है और बंद करा है इसको, और नीचे ले जाएंगे धीरे से ताकि फैले ना बैटर। थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि लिक्विड होता है बैटर, तो एकदम से गिर ना जाए, तो हल्का सा आपको ऊपर से पकड़ना पड़ेगा परांठे को। ये देखिए जब थोड़ा थोड़ा ही सिकने लगेगा ना तो ये बढ़िया से सिक जाएगा।
और बस इसको हमको पलट लेना है। फ्लेम को मीडियम हाई दबाना, इसको बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अंदर लिक्विड है अभी, तो वो बाहर निकल ही आएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है अभी। अपना आप से आप इसको पता चल जाएगा, हल्का हल्का इसको दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये फ्राई हुआ है या नहीं। फिर से पलटेंगे एक बार, ये देखिए आपको साइड्स में अपना आप पता चल जाएगा कि अंडा अंदर से कुक हो चुका है बढ़िया से। इसको मैं साइड में निकाल देती हूँ, बस इसको आप पलट पलट के हमको सेक लेना है। आपको हम फिर इसको पलटेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया से कलर आया है। मीडियम फ्लेम पर इसको हमको सेकना है। लीजिए अब पूरी तरीके से ये परांठा जो है सिक चुका है, एकदम भारी हो चुका है अंदर से, यानी परांठा एकदम बढ़िया से एग से भर चुका है। ये देखिए कितनी बढ़िया से ये सिक चुका है, मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से हम दोनों अपने परांठे को सेक लेंगे। इसको निकाल लेते हैं, से मैंने एक पराठा एक दूसरे स्टाइल में ही बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च को टोटली स्किप कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से अपना आप ही बंद हो गया है। इसको हमको 1-2 मिनट के लिए पलट पलट कर सेकना है। चलिए गैस को करते हैं बंद और कर लेते हैं इसकी झटपट सी प्लेटिंग। तो लीजिए तैयार है एग पराठा, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है, क्रिस्पी और एकदम बढ़िया से टाइट है पराठा, क्योंकि अंदर अंडा एकदम बढ़िया से भरा हुआ है हमारा। ये देखिए चारों तरफ से कितनी बढ़िया तरीके से ये अंडा पराठा बनके तैयार हुआ है। तो बस अगर ये मेरी छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।